हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं करने वाले चारकोल और अप्सरा के पेंसिल के बीच कंपेयर, देखते हैं कौन सा चारकोल पेंसिल बेस्ट रहता है स्केचिंग के लिए। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं, ये अप्सरा का चारकोल पेंसिल और ये कैमलिन का चारकोल पेंसिल, इन दोनों पेंसिल के बीच में आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा पेंसिल बेस्ट है हम लोग को एक बेस्ट स्केच बनाने के लिए। तो इसका पहले प्राइस का बात करते हैं इन दोनों का। तो ये है 90 रुपीज़ का और यह है 45 रुपीज़ का। तो ये इसके हिसाब से तो प्राइस में बिल्कुल आधा है, और देख सकते हैं, चलिए देखते हैं अगर प्राइस में आधा है तो इसका काम कैसा और इसका काम कैसा है। बाकी मैंने इन दोनों में थोड़ा बहुत वर्क किया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मुझे पता है कि इन दोनों में से कौन विनर है और कौन लूज़र है, तो वो आप लोग भी जान लीजिए। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। बाकी सिर्फ मेरे ही साथ हुआ है कि ये सब के साथ होता है ये तो मुझे नहीं पता। चलिए ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग की बात करते थे। कुछ ऐसे ओपन होता है, यहाँ से हम लोग को इसे खींचना पड़ता है, ये निकल जाएगा। और इसमें से हम लोग को तीन पेंसिल, जो कि सॉफ्ट, ये रहा मीडियम, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। मतलब इसमें से साफ साफ पता चल सकता है कि देखिए, जो ब्लू वाला है वो सॉफ्ट है, येलो वाला मीडियम है, रेड वाला हार्ड है। तो चलिए हम लोग तीनों को तीनों ट्राई करते हैं। इधर और यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखा हुआ है तो साफ साफ पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं कैमलिन। और बाकी हम लोग इधर से इसका सेड करते हैं। और बाकी मैं अभी इसे लाइट प्रेशर से ही सेडिंग कर रहा हूँ। तो सॉफ्ट, अब हम लोग मीडियम से सेडिंग करते हैं। मीडियम का नोकी टूटा हुआ है तो चलिए इसे पहले शार्प करते हैं। तो देखते हैं, यस, यही बहाना इसका टेस्टिंग भी हो जाके साफ करने में टूटता है या नहीं। तो आई होप ये तो, मतलब मुझे जैसा लगता है ये तो टूट जाएगा, बाकी देखते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार साफ कर चुका। तो इस अभी इसे हल्का सा ही करते हैं, वरना टूट गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम से भी शेडिंग कर दिया, चलिए हम लोग इसे हार्ड से शेडिंग करते। तो मेरे हिसाब से तो इन हार्ड सच में हार्ड चल रहा है, और सॉफ्ट में तो सॉफ्ट काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीडियम, मुझे लगता है कि सॉफ्ट ज़्यादा फैलेगा, हार्ड मीडियम थोड़ा कम और हार्ड उससे भी कम। और इससे पहले मैंने कभी भी चारकोल पेंसिल्स यूज़ किया है, अभी तो मैंने एक महीने पहले लिया, उससे पहले नहीं किया था। तो हम लोग इसका अनबॉक्सिंग का बात करते हैं, अप्सरा का चारकोल पेंसिल। तो देख सकते हैं इसका पैकेजिंग भी कुछ ऐसे ही ओपन होता है, और इन तीनों में कोई मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सा मीडियम, कौन सा सॉफ्ट, कौन सा हार्ड। सिर्फ लिखा हुआ देख के आप लोग पहचान सकते हैं, वरना तीनों का कलर एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्ट ये है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसे शेडिंग करते हैं। तो सॉफ्ट से मैंने कर लिया, सॉफ्ट भी एकदम सेम वैसा है चारकोल जैसा। और फिर आता है बारी मीडियम का, और ये मीडियम तो वो कैमलिन के हार्ड से भी ज़्यादा हार्ड है, इसमें तो शेडिंग ही नहीं हो पा रहा है, ये पूरा पेपर को स्क्रैच जैसा कर रहा है और ये शेडिंग नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो
अब हम लोग इसका हार्ड यूज करते हैं। और ये हार्ड तो सीधा जैसे लग रहा है मैंने खाली पेन चला रहा हूँ पेपर पे, ये सीधा स्ट्रोक बनाने का जैसे काम कर रहा है, इसमें शेडिंग ही नहीं हो पा रहा, एक भी नहीं। मैं पूरा प्रेशर लगा रहा हूँ अपना। तो देख सकते हैं मैंने इधर कैमलिन का चारकोल पेंसिल और इधर अप्सरा का, तो इधर नाम भी लिख देते, रुक जाइए, तो इससे नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो फिर दिखेगा मैंने। तो यहाँ पे शेडिंग का बात तो कर लिया, चलिए हम लोग इसे ब्लाइंड करके देखते हैं। तो हम लोग इसे तो मतलब शेडिंग करके ट्राई कर चुके हैं, चलिए हम लोग इसमें ब्लाइंडिंग करके ट्राई करते हैं। और इसे हम लोग ब्लाइंडिंग करने के लिए इसमें का ब्रश का यूज कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को मेकअप टूल का भी देखना है पूरा ट्यूटोरियल वीडियो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अभी सोच रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये सबसे पहले मैं अप्सरा के सॉफ्ट पेंसिल को अभी ब्लाइंड कर रहा था और ये काफ़ी अच्छे से ब्लाइंड हो चुका है। और फिर आ चुका है बारी मीडियम का, तो ये मीडियम तो उतना अच्छा से ब्लाइंड नहीं हो पा रहा है पर ठीक ठाक है। और फिर हार्ड में देखते हैं तो ये कुछ वैसा नहीं हो रहा है, हार्ड तो एकदम ही नहीं हो रहा है। अब तो देख सकते हैं कुछ ऐसा हो रहा है। और हम लोग इसमें अब ट्राई करते हैं कैमलिन का पेंसिल, और ये कैमलिन का सॉफ्ट पेंसिल तो इससे ज़्यादा ही सॉफ्ट है कुछ, मतलब देख सकते हैं ये थोड़ा मैं इसमें ब्लाइंड कर रहा हूँ तो ये कुछ ज़्यादा फैल रहा है। और यही खास बात है चारकोल पेंसिल में, जब कोई भी अगर चारकोल पेंसिल ज़्यादा फैल रहा है तो वही अच्छा होता है, क्योंकि चारकोल पेंसिल का खास बात ही है कि वो फैलता है। तो यह तो मुझे ज़रा सा प्रेशर नहीं लगाना पड़ा है इस कैमलिन के सॉफ्ट पेंसिल में, और देख सकते हैं इसके मुकाबले में ये कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा है हमें। अब हम लोग मीडियम को ब्लाइंडिंग करते हैं और ये मीडियम भी इससे काफ़ी मस्त ब्लाइंड हो रहा है, और देख सकते हैं ये पूरा मर्च हो चुका है। तो ये सॉफ्ट और मीडियम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि दोनों ब्लाइंड हो चुका है। बस इसमें से थोड़ा मतलब लग रहा है कि क्या बोल सकते हैं, कुछ फट गया है जैसे दूध फट जाता है वैसे। और चलिए अब हार्ड को भी ब्लाइंड करके देख लेते हैं। तो हार्ड तो कुछ ऐसा ब्लाइंडिंग हुआ है जैसे कि इसका सॉफ्ट ब्लाइंडिंग हुआ था। तो यहीं पे आप लोग को पता चल जा रहा है कि हमें कौन सा पेंसिल का यूज करना चाहिए अपने स्केचिंग में। तो आज का विनर रहा है कैमलिन का पेंसिल। तो ये देख सकते हैं अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो ये वाला पेंसिल परचेस कर सकते हैं, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। लेकिन मैंने इसे ऑफलाइन कर दिया था, ऑनलाइन में ये काफ़ी महंगा दिखा रहा था तो इसलिए मैंने इसे ऑफलाइन ख़रीद लिया। और फिर मैंने देखा तो यूट्यूब में ये 40-50 रुपये के अंदर भी आता है, तो शायद से ये थोड़ा महंगा वाला होगा, या फिर अभी देख सकते हैं। तो इधर रहा ये, और मैं इससे कोई भी स्केच नहीं बनाता हूँ, और ये इससे मैं अभी ख़रीदा हूँ एक महीने पहले, तो मैं इससे स्केच बनाता हूँ। तो चलिए आज का विनर तो रहा है ये, तो यहाँ पे इसे टिक कर देते हैं हम लोग।